और अगर मम्मी जाती भी तो मैं नहीं बैठती भाई, मम्मी की ठोक भोक देती। और एक खास बात, तो हम लोग घर जा रहे हैं, इस बारे में ना तो अमरीन को पता है और ना ही नीतू जी को। तो गाइस फाइनली हमने सोचा है कि मैं कट करा ही लेती हूँ, हेयर कट करा ही लेती हूँ, और अमरीन का भी फाइनल ये हो कराएगी कि नहीं कराएगी। जो सरप्राइज देने वाला था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, और अभी बज रहे हैं 3:31 और अभी हम ऐसे ही बैठे हुए थे धूप में, और अभी हमने खाना खाया है यहाँ पे ही बालकनी में ही, और मम्मा अभी यहीं है। हे गाइस, राम राम जी सबको, और सबको मुबारकबाद, कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम सब भी एक्साइटेड हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम जाएंगे राम जी की मूर्ति खरीदने के लिए और कुछ दिए खरीदने के लिए, और शाम को मैं निकलूँगी सब काम के लिए। अभी मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, और खाना खाया हम लोगों ने, और खाने में आज स्पेशल था सरसों का साग, जो अमरीन को भी काफ़ी पसंद है। अच्छा लगा आपको? और साग फिर से नानी के घर से आया था, अमरीन की नानी के घर से, तो अच्छा लगा उन्होंने स्पेशली। और क्या, आपको पता ही नहीं है, अमरीन की नानी के घर से साग आया था, मैंने ऐसे बोला। और विजय जी गए हैं अभी, स्टूडियो हैं शायद वो, और साग एक्चुअली भेजा गया था उनके लिए स्पेशल, और वो घर पे हैं ही नहीं, तो हम लोगों ने खा लिया, आदि ने, मैंने और अमरीन ने खा लिया। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी था। और विजय जी रह गए इस बार, उन्होंने स्पेशल बोल के मम्मी से बनवाया था, बट वो है नहीं घर पे, तो वो नहीं खा पाए, और वो स्टूडियो में है अभी। एक्चुअली मैंने ना हेयर कट लेने के लिए सोचा हुआ है काफ़ी दिन से, मन कर रहा है कि हेयर कट करवा लूँ, नहीं करवाऊँ, दोनों बातों में बीच में फंसी हुई हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे कटवाने चाहिए बाल या नहीं कटवाने चाहिए, हेयर कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मैं अभी आपको लेंथ दिखाती हूँ, कितनी लेंथ दिखाना है, पर मेरे बाल कितने लंबे हैं, अच्छे से नहीं दिख रही है, ये लेंथ है बालों की। बट पता है क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं बाल, घर में हर जगह मेरे बाल तो दिखाई देते हैं, तो मैं सोच रही हूँ हेयर कट करवा लूँ, थोड़ा सा शायद कुछ सेटलमेंट हो जाए बालों की। बट मेरा हेयर कट करवाने का मन है भी और नहीं भी, क्योंकि लेंथ थोड़ी ठीक हो रही है आजकल इस वजह से। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर मार्केट गए तो वहाँ दिखाएंगे आपको हमने क्या क्या खरीदा है, या फिर आने के बाद दिखाएंगे क्या खरीदा है। तब तक आप लोग देखो विजय जी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों कल हम एक जागरण में थे, और वहाँ से फ्री होकर के फिर स्टूडियो के लिए आए, और भाई सुबह हो गई, स्टूडियो वाले कहीं बिजी थे, आज उनको कहीं जाना था, तो और तबीयत मेरी ठीक नहीं है यार, दो तीन दिन से ना तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग घर चले जाते हैं। और एक ख़ास बात, तो हम लोग घर जा रहे हैं, इस बारे में ना तो अमरीन को पता है और ना ही नीतू जी को, डायरेक्ट सरप्राइज, या फिर पकड़ते हैं उनको क्या कर रहे हैं वो लोग। तो गाइस फाइनली हमने सोचा है कि मैं कट करा ही लेती हूँ, हेयर कट करा ही लेती हूँ, और अमरीन का भी फाइनल ये हो कराएगी कि नहीं कराएगी, और हम लोग रेडी होके निकल लिए हैं, ये देखो, और अमरीन भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और नीचे हमारी कैब आ चुकी है, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस मम्मी ने अपनी गाड़ी तो ले ली नई सीखने के लिए, और उसको चलाने के लिए थोड़ा टाइम तक, लेकिन मम्मी हम अब भी उसमें नहीं जा रहे, और अगर मम्मी जाती भी तो मैं नहीं बैठती भाई, मम्मी की ठोक भोक देती, तो सही हम कैब में जा रहे हैं, बट भाई वो अभी भी खड़ी है उधर, गाड़ी खड़ी है गाइस, कोई बात नहीं, चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और चलाएंगे एक दिन, ज़रूर चलाएंगे। फिलहाल तो हवा चल रही है बहुत तेज़, सर्दी नहीं जा रही, बचा लो मेरे को सर्दी से। दोस्तों जो सरप्राइज देने वाला था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आया भी मैं जल्दी और पता लगा कि नीतू जी और अमरीन निकल गए हैं हेयर सलून, हेयर कट कराने के लिए, और खैर मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ऑफिस आ गया हूँ, और ऑफिस में अपना काम वाम करेंगे, अब उसके बाद देखते हैं, फिर टाइप करते हैं उनसे कितने बजे पहुँचेंगे, मैंने बताया नहीं है। हालांकि नीतू जी ने मेरे से 3-4 बार पूछा कहाँ हो कहाँ हो, मैं कहा मैं अभी बता नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा हूँ बिजी, मैंने टाल मटोल कर दिया था।
आज ही दिखाए थे हमारे पास। तो जी फाइनली आमरीन का भी मूड हुआ कटिंग कराने का, तो आमरीन ने भी करा ली और मैंने भी करा ली और हम यहाँ कुछ खा पी रहे हैं। मैं नहीं, आमरीन खा रही है, आमरीन पी रही है एक्चुअली। और ये आदि के लिए मैं कुछ पैक करवा रही हूँ वहाँ घर ले जाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो गाइस हेयर कट हो गया हम दोनों का, और गाइस ये आगे वाले तो ये कर लेना शुरू हो गया वापस से। आमरीन के कर लेना बाल पहले से ही कर लिए, वाले तो कर वापस से हो गए, तो मैंने इनको पीछे कर लिया और ये वाले सही हैं अभी, तो इनको आगे रखूंगी और मेरी फ्रेंड्स को दिखाने, तो इसलिए इस तरफ से आ जाओ वरना मैं घर जाके फिर से स्ट्रेट कर चुपका फिर से स्ट्रेट कर लूँगी वरना मैं घर जाके फिर से स्ट्रेट कर लेती अगर मेरे को रील्स वगैरह बनानी होती। लेकिन मैंने मेरी स्टोरी पर पूरा ही सब कुछ ही डाल दिया ऑलरेडी, और मैं उन स्टोरीज की भी एक रील बना सकती हूँ तो इसलिए। बट मेरे को मेरी फ्रेंड्स को दिखाना था तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस मैं ऐसे ही दिखा दूँगी अब उनको हाफ। होप सो समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात। तो गाइस दिए ले लेते हैं कल के लिए, और मूर्ति मिल गई तो मूर्ति भी लेंगे। बड़ा ले रहे हो? बड़ा दिया ले लिया मैंने, छोटे दिए ले लिए वाले, ठीक है। हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, कटिंग वटिंग हो गई है, गुड्डू की भी हो गई है, आई मीन आमरीन की भी हो गई और मेरी भी हो चुकी है। बहुत अच्छा हेयर कट दिया है, और गाइस थोड़ी सी लेंथ कम हुई है तो मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है, कोई नहीं। फिर आमरीन चली गई है खेलने के लिए नीचे से ही, और मैंने फटाफट आके अपने हाथ सेके हैं पहले, फिर मैंने चाय बनाई और मैं बैठ गई रजाई में, और अब मैं पी लेती हूँ चाय। और अभी मैंने विजय जी को भी कॉल करके बता दिया था कि मैं घर पहुँच गई हूँ, और हेयर कट भी उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था ये कॉल करके, और मैंने उनको बता दिया कि घर आ गए हैं। बट विजय जी मुझे नहीं बता रहे कि वो कहाँ हैं, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद वो घर पे ही आ रहे हैं, तबीयत ख़राब है उनकी, शायद काम नहीं कर पाए वहाँ पे स्टूडियो में, तो घर आ रहे हैं देखते हैं। अगर घर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी देर में पता करती हूँ कहाँ हैं वो। तो चलो गाइस चाय पी लेती हूँ, बहुत ठंड चढ़ी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा ही, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो फाइनली नीतू जी और अमरीन आ गए हैं घर पर। अरे भाई टोपी दाडे ने कहती भाई चढ़ा कर रखा है, वो घर पर आ गए हैं भाई। मैं निकलता हूँ और जाता हूँ घर पर, मैं इसलिए नहीं गया पहले क्योंकि वो नीचे पार्किंग में पहले ही गाड़ी देख लेते, सरप्राइज खत्म हो जाता। अब सीधा ही कैमरा लेके घुसूंगा, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये फाइनली हम अपने टावर की तरफ मुड़ गए, गाड़ी खड़ी होती थी, ये एक गाड़ी है यहाँ बीच में खड़ी होती थी, बट यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, और फिर वही बात है गाड़ी खड़ी कर दी तो फिर ठुकेगी भी हमारी गाड़ी ना, फिर फायदा नहीं है इस चीज़ का। बाकी खड़ी कर सकते हैं, खड़ी कर देता हूँ इधर ही। देख लो भाई अपनी ही सोसाइटी में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर मेरा घर है, कभी ऊपर से उनको पता ना चल जाए, इस वजह से आराम आराम से कर रहा हूँ। सब बालकनी में आ जाते हैं, वैसे गर्मी नहीं है, सर्दी में भी आ जाते हैं कई बार बालकनी में। और मैंने सब ले लिया ना सब, बाकी सब कल देखी जाएगी। और लो भाई मित्रों सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, और गाड़ी में ही चाबी रहेगी, अब ये बस लॉक ना हो। ओ बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए भाई, ठीक ठाक चल रहा है मामला, और उनको पता भी नहीं चल रहा। मैंने तो गाड़ी का हॉर्न भी नहीं दिया, क्योंकि गाड़ी के हॉर्न से ही पहचान लेते हैं वो। और भाई मैं अच्छे से दिख भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मानूंगा नहीं वीडियो बनाए बिना, अति कवर कर रखा है, पता नहीं लगने दूंगा मैं कौन हूँ कहाँ जा रहा हूँ, मतलब अपने घर वालों को यार। अरे मेरे यार घर वालों को सरप्राइज देना है ना, बने सियाने बने देंगे। पहुँच लिया मैं, और मैं पहुँच गया हूँ अपने टावर के अंदर। हमारे जी नमस्कार जी, कैसे हो? हेलो सर जी, कैसे हैं आप लोग? ये देखो इनको भी पता है भाई, सब बढ़िया है, मौज में है भाई, ठंड से बचे रहो बस। और ये लिफ्ट की दही मिलती है, इसी में चलता हूँ।
ये वैसे सर्विस लिफ्ट है, दूसरी लिफ्ट से जाने की बजाय मैं इसी से जाना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये फास्ट जाती है ऊपर। और एक ख़ास बात बता दूँ दोस्तों, नीतू या तो मिलेगी किचन में, किचन में नहीं है, या फिर मिलेगी वो बिस्तर में अंदर। और दरवाज़ा भी माइक और पहले से ही खुला है थोड़ा थोड़ा। देखते हैं किधर क्या है, इधर नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, मेरे को भी पता था पाओगे। देखो मैंने दो बातें बोली थी कि नहीं तो या तो किचन में होगी या फिर होगी कंबल में, मेरी फेवरेट जगह। देखो बाल कैसे लगे। और वही बना दोस्तों, बाहर हद से ज्यादा ठंडी मतलब हवा चल रही है, शीत लहर जिसे बोलते हैं। मैं गाड़ी का ना तो हॉर्न दिया, खिड़की पे आराम से बंद करी है। मैं कभी कई बार झूले पे होते हैं ना बालकनी में, तो मैं कभी पहचान लो चोरी चोरी छिपे छिपे, एक बार ऊपर देख रहा था एक बार बंद कर रहा था। अच्छा। आधा सामान जो जैसे भी रहेगा, तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। जब आपने बोला ना कि मैं नहीं बता रहा मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को पता था आप आ रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, बताओ मैं कब से आया हूँ। आपने दिन में कहा था ना शायद सुबह भी कि मैं, जो ये रिएक्शन था इस पे वो लगता है कुकुर 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 कुकुर। मतलब दिन में नहीं कह रहे थे आपकी, मैं बार बार पूछ रहा था मैं जब आपसे कि आप कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। और आपने यूं बोला ना कि आप लोग आ रहे हो। नहीं नहीं तब नहीं, जब जा रहे थे ना एक्चुअली मैं तब पहुँच ही गया था, तब आपने कहा था कि मैं बादली पहुँच गया था उस टाइम पे, जब कहा था कि मैं हेयर के लिए जा रही हूँ और निकल ही गए थे आप। अच्छा जी 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 पहुंच गए भाई। मैं कुछ इस तरह से लैंड हुआ घर पे। ये देखियो मेरे बाल पूरा, आपके बाल बहुत अच्छे। अरे कटिंग करा ली, वाह क्या बात है। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छे हैं, फिर बढ़ जाएंगे क्या हो गया। और अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीछे की लेंथ पीछे की जो क्या बात है, नहीं नहीं पीछे की लेंथ ज्यादा है, ये देखिए। और क्या बहुत बढ़िया भाई। और मैं और तो अगर बालकनी में चला गया ऐसे कि ऐसे लोग देखने लग जाएंगे, क्या पता ये सीधा चांद पे लैंड करने की सोच रहे होगा। साला है वो ठंड के है, तबीयत खराब थी और कल से ये सामान था। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा खराब है। ओह मैं तो अच्छा दिख रहा हूँ, इस टॉप पे ने कवर कर रखा है, टोपा हटा दिया तो भाई साहब फिर मन कौन कवर करेगा। मामला गड़बड़ हो जाए दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूँ फाइनली घर पे। अब यहाँ उद मतलब तारते हैं, देखते हैं कैसे क्या मामला चलेगा। गुड्डू को तो पता ही नहीं है अभी, और अमरीन को भी नहीं पता है, पता नीतू को भी नहीं था, बस एक छोटा मोटा बस वही था कि भाई कहीं ना कहीं है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे बताता नहीं कि मैं कहाँ नहीं हूँ। तो जब भी ये पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ तो मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पे हूँ। तो आज मैंने पहली बार इनको कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, और मैंने बोला लोग में कि मेरे को लगता है कि वो आ रहे हैं अभी, इसलिए मेरे को बता नहीं रहे कि ठीक है। तो ये ठंडी हवा इसलिए चल रही थी क्या? यस। ओके तो आपका कहने का मतलब जो जाडा मन कर रखा है, नहीं जो सारी पब्लिक है वो मेरे ऊपर टूट के पड़ेगी, वो तना कर रहा क्या जाडा। और सबसे बड़ी बात है भाई, रामलला जो है वो कल है, मैं दिए ले आई खरीद के, मैंने बताया बिल्कुल। और हर भारतीय को दिए जलाने भी चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, सामान सुमान उतार लूँ बोझ ना, और थोड़ा हो जाऊँ ठीक ठाक सा, फिर देखते हैं के प्रोग्राम बनेगा के नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो अभी हो चुकी है रात, तो मैं थोड़ी थक गई हूँ और मैं घर वापस आ गई थी, तो मुझे पापा मिले, बट पापा की तबीयत खराब हो गई, बुखार वगैरह उनको, तो वो सो गए हैं। मतलब मिल ली मैं उनसे, बहुत देर बातचीत कर ली हमने, अब खाना वाना खा लिया, सब कर लिया पहले, बट पापा की थोड़ी तबीयत खराब है तो पापा अब सो गए हैं और मैं और मम्मा यहाँ पे हैं बालकनी में आए हैं। और ये देखो हमने अपनी लाइटिंग ऑन कर दी है, वो वाली बालकनी की भी और ये वाली नहीं, हमने निकाली दिवाली से नहीं निकाली गई तुमने, क्योंकि हमें आइडिया था कि दिवाली और मनने वाली है, इस वजह से हमने लाइटिंग नहीं निकाली तो थी, फिर से दिवाली।
तो कल गाइस दिवाली है, श्री राम जी आएंगे, तो आप सबको भी हम सब की तरफ से बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद। 11:50 हुआ है, अभी सिर्फ 10 मिनट के बाद है। हाँ 12 बज जाएंगे और हम लोग अभी बाहर खड़े हैं, देख लो इतनी ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड है और पूरी सोसाइटी सो चुकी है, काफी लोगों ने लाइटिंग अपनी ऑन कर दी है और हमने भी कर दी है। तो गाइज कल मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, और मतलब धुंध तो भी ज्यादा नहीं हुई बट हो जाएगी ठंड है। तो गाइज कल सेलिब्रेट होने वाला है दिवाली राम उत्सव, तो कल का व्लॉग बनाएंगे और जैसा भी शूट करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल का दिन कैसा होने वाला है हमें भी नहीं पता है, तो आई होप सो सबका दिन अच्छा ही जाए कल का, और सबको हम सब की तरफ से जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अब लगने लगी ठंड, हम लोग जा रहे हैं अंदर। बाय, गुड नाइट।